हेलो, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने पीस के कैसे बनाते हैं दाल को। तो ये मैंने जो काले चने की दाल होती है उसको पीस के मैंने बारीक बारीक इसको पीस लिया था, और इसको मैंने कद्दूकस में ही ग्रेट किया था, क्योंकि ये मिक्सी में ज़्यादा पतली हो जाती है। आपकी मर्ज़ी है, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैंने इसी में किया था, इससे ये बहुत स्वाद लगती है। इसके लिए मुझे चाहिए प्याज, लहसुन, थोड़े से हरे पत्ते और थोड़े टमाटर। तेल गरम हो चुका है, मैंने इसमें कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अभी गरम हो चुका है, मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा, ये थोड़ी हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। काले चने की दाल पीस के एक बार आप लोग भी जरूर बनाइए, यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चाहे पराठे के साथ खा लो, चाहे आप चावल के साथ इसको खा सकते हैं। प्याज हमारी थोड़ी ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको मैं थोड़ा और पका लेती हूँ। प्याज और टमाटर हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब मैं इसमें डाल देती हूँ मिक्स किए हुए मसाले। जो काले चने का पानी था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको और थोड़ा भून लेते हैं। मसाले हमारे भून चुके हैं, अब मैं इसमें डाल देती हूँ पिसी हुई दाल। इसको हम थोड़ा भून लेंगे। भून के क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। थोड़ा दाल हमारी भुन चुकी है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी।
अगर मेरी ये दाल की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आप चाहे इसको अपने पतली कर सकते हैं दाल को, चाहे आप गाढ़ी रख सकते हैं। जो चने में दाल जो बचा हुआ पानी होता है उसको फेंकना नहीं है, उसको इसमें ही ऐड कर देना है। अब हम इसको 10 मिनट पकने देते हैं। दाल हमारी पक चुकी है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ पत्ते कटे हुए। आप चाहे तो हरा धनिया डाल सकती हैं, हरा धनिया था नहीं इसलिए मेरे जो गार्डन में जो सब्जी एक तरह की सब्जी होती है। दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है, देखिए। तो दाल हमारी बन चुकी है, तो आप लोग भी खा लीजिए।